हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ पर आज के दिन मार्केट में काफ़ी उथल पुथल थी। बात करें तो यहाँ पर निफ्टी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ निफ्टी 50, तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट, एक कंसोलिडेशन मोड, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके लगभग उसी पॉइंट पर यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया। सेम एज इट इज बात करें तो निफ्टी 50 में भी। तो ये सारी चीजें क्या संकेत देती है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फोरएवर चैनल आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस रहे। और बाइंग सेलिंग की किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन हम देते नहीं है। आप चाहे तो हमें यहाँ पर इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स, मैंने जब इंडिया विक्स इस तरीके से लगातार भागे जा रही थी, तो मैंने आपको एक लाइन खींच के दी थी, जिसे हम अगर बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे को ही टच करके यहाँ पर नीचे गिरती हुई दिखाई दी, और अभी एक लगभग हैमर टाइप में बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में इनसाइड बार बना रहा है। अगर ये इस लेवल से ओके 21.28 से ऊपर जाके क्लोजिंग देता है ओके और भागता हुआ नजर आता है, तो याद रखिए एक जंप दिखाई देगी इंडिया विक्स में, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब होगा कि हमारी मार्केट यहाँ पर गिरती हुई दिखाई देगी। बट हमारी मार्केट भी कुछ कह रही है, उसे भी हमें यहाँ पर सुनना चाहिए। तो हम यहाँ आपके सामने ये निफ्टी 50 है ओके। देखिए, मैंने लास्ट टाइम जब ये पर्टिकुलर एक आइलैंड टाइप में बना था, तो मैंने आपको बताया जब एक अलग ही इस तरीके का आइलैंड बना देता है ओके, अलग एक ही रेंज में, कुछ एक रेंज होती है, एक ये रेंज होगी, इस रेंज में बहुत सारी कैंडल्स बन जाती है, तो इसे आइलैंड टाइप में कहते हैं। और अगर हम बात करें, सेम आइलैंड टाइप यहाँ पर अब बनता हुआ नजर आ रहा है इस रेंज में, ये रेंज से लेके इस रेंज के बीच में, मतलब 16,800 से लेके 16,400 के बीच में, मतलब 400 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर आइलैंड, मतलब इसी में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर इसने क्रॉस किया इस पर्टिकुलर लेवल को, तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी और एक रेंज दोबारा बनती हुई दिखाई देगी, जो ऊपर की तरफ हो गया 16,800 से लेके यहाँ पर सीधे 17,300 के आसपास, या फिर इधर अगर गिरावट हुई तो दोबारा यहाँ पर बनता नीचे आ सकती है। बट गिरावट के चांसेस बहुत कम है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर अगर बात करें काफी गिर चुकी है, स्टॉक ऑलरेडी 30%, 40%, 50% यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं और काफी बेहतरीन रेट पे मिल रहे हैं। और अगर हम इसके अगेंस्ट में FIIs और DIIs की यहाँ पर बाइंग सेलिंग देखें, तो बीच में तो उन्होंने भी यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग भी करी थी ओके, और उनकी सेलिंग की बात करें, सेल यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देता है। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगेन उन्होंने यहाँ पर बिकवाली करी, और आज जिस तरीके से मार्केट गिरी है ओके और जिस तरीके से ऊपर आई है, तो लगता है कि स्टार्टिंग में जिन्होंने यहाँ पर बिकवाली करी होगी, अदरवाइज यहाँ पर दोबारा यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देती है यहाँ पर मार्केट। FIIs का डेटा शायद आज के दिन में कुछ इस तरीके का ना हो, कम बिकवाली हो, या फिर यहाँ पर पॉजिटिव भी दिखाई दे सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। अगेन इस हम बात करते हैं यहाँ पर इस चार्ट की, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक हैमर ओके, और लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सपोर्ट के आसपास ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे बनता तो और अच्छा होता, बट सपोर्ट के आसपास ही है और आज नीचे जाके ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को निकाल देता तो शायद और तेजी होते हुए दिखाई दे, और दोबारा ये 16,800 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट असली तेजी के लिए इसे इस लेवल को 16,800 के लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो कल के दिन में यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, जो कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखा रही है। क्या क्या दिखा रहा है, उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी आई टी। देखिए, एक यहाँ पर सपोर्ट था ओके, यहाँ पर गिरावट थी, इस गिरावट को यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, शूटिंग स्टार बना, तो गिरावट होती ही दिखाई दी। गिरावट के बाद आज क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक हैमर टाइप में कह सकते हैं ओके, या फिर आप इसे ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं। एक ड्रैगन फ्लाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हैमर टाइप में ही होता है, और अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर गया तो अगेन इसमें तेजी होगी, और जो कि इसे 29,825 तक, जो कि इसका प्रीवियस हाई था वहाँ, या फिर इस लेवल तक जाती हुई 30,800 के लेवल को जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी आई टी की तरफ ध्यान देना है। आज जिस तरीके से रिबाउंड दिया है, मतलब यहाँ पर निफ्टी आई टी में दोबारा तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। आज की जो गिरावट थी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा निफ्टी मेटल देख सकते हैं। निफ्टी मेटल में जिस तरीके से यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी थी, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी थी, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में यहाँ पर इंडिया की जो मेटल है वो यहाँ पर चीप होते हुए दिखाई देंगे। मतलब इंडिया का आयरन और इंडिया की मेटल्स इंडिया में ही रहेगी और जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी आएगी और कहीं ना कहीं मेटल के जो सेक्टर है उसमें यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जिसकी वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और यहाँ पर धीरे धीरे अब देखिए यहाँ पर इसने हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद यहाँ पर चीज़ें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान में दीजिए, निफ्टी मेटल इस धीरे धीरे करके यहाँ पर ऊपर की तरफ दोबारा जाती हुई दिखाई दे सकती है। ओके, बट यहाँ पर पूरा भरोसा, अंधा भरोसा नहीं करके चलना है, ब्लाइंडली हमें फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायर लोज अब शायद बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इधर तक दोबारा आए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आने के बाद दोबारा गिरावट हो, फिर गिरावट के बाद दोबारा यहाँ पर आके फिर यहाँ पर तक आए, फिर गिरावट हो, फिर उसके बाद एक तेजी हो, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट कोशिश यहाँ पर लॉन्ग टर्म की मत रखिएगा इस टाइम। ओके, चीज़ें अभी थोड़ी सी महंगी नजर आती है, एज वेल एज मार्केट जब तेजी में होगा उस टाइम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की व्यू रखिएगा। बट अदरवाइज यहाँ पर ऊपर के अगर अभी बाइंग करते हैं और इस लेवल के आसपास आए तो यहाँ पर बेचने की कोशिश करिएगा, जो कि यहाँ पर ये लाइन्स आपको दिख रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे और भी सेक्टर की, जिससे रिलेटेड हम बात करें तो ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आया था मैंने आपको बताया था कि इसमें गिरावट हो सकती है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट है और यहाँ पर नीचे ही, यहाँ पर ना ऊपर बंद हुआ है ना नीचे बंद हुआ है, ये डोजी बनती हुई दिखाई दी है। इस डोजी या स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं। जिस तरीके की यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है और एक अच्छी तेजी हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हो सकते हैं कि यहाँ पर एक गिरावट होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। अगर इस लेवल को, जो आज का लो है 11,175 से अगर नीचे ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो एक याद रखिएगा एक गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है और आप यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। और इसी के अगेंस्ट में अगर आज का हाई 11,352 को क्रॉस करता है तो एक तेजी भी दोबारा हो सकती है, जो इसे दोबारा 11,667 तक लेके जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तेजी हो गई है, हो सकता है कि यहाँ पर ऑपरेटर ऊपर ले जाके आपको फंसाते हुए नजर आए। तो ये सारा का सारा व्यू आपको अपने माइंड में हमेशा, स्टॉप लॉस इसलिए ही कहते हैं ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि बड़े लोग ऊपर ले जाके फंसा देते हैं और फिर आप ऊपर के लेवल पे फंसे रह जाते हैं। निफ्टी फार्मा की बात करें, निफ्टी फार्मा ने मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये इसका एक बेहतरीन सपोर्ट है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है और अगर इसे तोड़ा तो याद रखिए एक गिरावट होती हुई नजर आएगी, जो इसे सीधे के सीधे यहाँ तक लेके जाएगी 11,277 तक। बट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज का और इसके अलावा यहाँ पर भी और इसके अलावा यहाँ पर भी अगर यहाँ पर टच करके चीजें नीचे गई तो बहुत बेकार हो जाएंगी। बट यहाँ पर जिस तरीके की एक कैंडल बनती हुई दिखाई दी है डोजी, ओके, इस डोजी के अगेंस्ट में अगर मैं बात करूं, अगर कल की डेट में अगर मार्केट ओपन होता है और इसके नीचे हो जाता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट आएगा और इस सपोर्ट को भी अगर तोड़ा तो यहाँ पर चीजें बिगड़ सकती है और नीचे आ सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जिस तरीके से मार्केट सारा ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये इस लेवल को टच करने का दोबारा ऊपर जाए और कोई ऐसी कैंडल यहाँ पर बना दे, जैसे ये हैमर बनाया ऊपर गया, हैमर बनाया ऊपर गया, अगेन कुछ हैमर बना के चीजें ऊपर जा सकती है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अगेंस्ट में हम दोबारा और चीजों को भी देखते हैं, निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक अगेन यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी गिरावट हुई, इसी रेंज में यहाँ पर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसने दोबारा क्या बनाया, अगेन इसने एक डोजी टाइप में ही बनाया है। ओके, या स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। अगेन ऊपर के टाइप में यहाँ पर रेजिस्टेंस ये नजर आता है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर ये नजर आता है। ये दो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो एक तेजी होगी जो इसे 36,722 की तरफ ले जाएगी और नीचे की तरफ तो यहाँ पर ओपन है ही। ओके, अगर गिरावट होती है तो शायद चीजें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है, ये 34,765 तक आ सकती है। बट जब अगर ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाना है, जैसे कि हम निफ्टी 50 में बात कर रहे हैं कि चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है कल की डेट में, तो शायद निफ्टी बैंक भी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करे और निफ्टी बैंक जब अच्छा परफॉर्म करेगी तो अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर इस रेंज को ये क्रॉस करेगी और इसके बाद यहाँ पर आके दोबारा थोड़ी सी नीचे आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक आइलैंड बना, अगेन यहाँ पर एक आइलैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तेजी होगी तो अच्छी तेजी यहाँ पर ये पूरे सेक्टर में होती हुई नजर आएगी, तो इस चीज की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एफएमसीजी, ओके, निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो एक हैमर बन रहा है। बट हैमर अगर इधर इस लेवल पे बनता, जैसे ये बना था, तो तेजी होती, या यहाँ पर ऊपर की तरफ बनता तो एक तेजी होती। तो इसके लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है ओके, याद रखिएगा ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो लाइन है 37,300 के आसपास की, और यहाँ पर बात करें रेजिस्टेंस की 38,706, इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर इसके क्रॉस करता है तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, अदरवाइज ये काफी टाइम से इसी लेवल पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसे ऊपर की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी अब नजर आता है। तो ये चीजें आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इसकी तरफ आपको ध्यान देना, और इस लेवल को निकाला तो फिर इस केस में आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। इसके अलावा और भी हम अगर बात करें चीजों की, तो एनर्जी में मैंने आपको बता ही दिया था एक गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे आज बहुत सारे IEX वगैरह नीचे आते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि एक अच्छी तेजी ऑलरेडी हो गई है, और अगर तेजी यहाँ पर से हुई भी तो इस लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 26,681 अगर इसे क्रॉस करता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर इस लेवल पे या आसपास यहाँ पर आके चीजें क्या हो सकती है, आपको ट्रैप किया जाएगा और फिर नीचे लाई जाएगी और लोअर हाईज बनाते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक हाई, ये हाई बनाया, फिर ये यहाँ पर हाई बना देगा, फिर यहाँ हाई बना देगा, इस तरीके से काम होता हुआ दिखाई देगा और आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल फंसाया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉशियस वे अपनाना है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पर हाई बनाया लोअर हाइज, फिर एक लोअर हाइज यहाँ बनाया, फिर उसके बाद इसके नीचे लोअर हाइज बनाया, अगेन बात करें तो यहाँ बनाया, तो एक यहाँ पर राउंडिंग टॉप बनाया। राउंडिंग टॉप बनाने के बाद अब शायद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, और अगर इस लेवल को तोड़ देती है तो चीजें इस लेवल पे और इस लेवल पे आ सकती है, और पूरा एक राउंडिंग टॉप बना के शायद 1 साल 1.5 साल का टाइम लेगा ये और नीचे आने में। ओके, और अगर नीचे आता है उसके बाद जब भागेगा तो याद रखिए एक अच्छी तेजी भी होती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी। तो ये पूरा का पूरा मेरा व्यू था। इसके अलावा हम बात करते हैं मिड कैप की, तो निफ्टी मिड कैप में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी मिड कैप में भी क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी मिड कैप में भी आप देख सकते हैं एक ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे आज के दिन में एक ड्रैगन फ्लाई यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। अगेन नीचे का लेवल एक यही है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो और चीजें बिगड़ सकती है और नीचे आ सकता है। और या ऊपर के लेवल की बात करें तो इसे इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है। ओके, और जो इसका प्रीवियस हाई था कितने का, 28,729 का, 28,729, इसे पर्टिकुलर लेवल को अगर निकालता है तो इसे इस रेंज में आना बहुत जरूरी है। इस रेंज में आके ट्रेड करना बहुत जरूरी है। इस रेंज में ट्रेड करेगा तभी जाके आप सोच समझते हैं कि आगे की तरफ यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी मिड कैप थोड़ी सी गिरावट है, बट याद रखिए निफ्टी मिड कैप निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न देगा, और निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप से ज्यादा रिटर्न देगा। और रिस्क की बात करें, निफ्टी मिड कैप में 50 से ज्यादा रिस्क होगा, निफ्टी स्मॉल कैप में निफ्टी मिड कैप से ज्यादा रिस्क होगा। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। अगर रिटर्न अच्छे चाहिए तो याद रखिए आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही बनते हुए नजर आएगा। स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप भी आप देख सकते हैं एक अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हैमर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हैमर की अगर हम बात करें, इसके लिए ऊपर जाता हुआ कल की डेट में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई देगी। और रेजिस्टेंस की बात करें, एक तो ये रेजिस्टेंस 9300 का, इसके बाद एक रेजिस्टेंस की बात करें जो इसका प्रीवियस हाई था 9399 के आसपास का, 9400 का, इसे क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो यहाँ पर 9600 तक यहाँ पर लेते हो जाएगी। और इस रेंज में इसे आना बहुत जरूरी है। जैसे निफ्टी 50 इस रेंज में आ गया है, ओके, ऐसी मिड कैप स्मॉल कैप को भी इस रेंज में आना बहुत जरूरी है अगर इन्हें तेजी करने की जरूरत है तो। बट ऑब्वियसली बात है निफ्टी 50 में यहाँ पर तेजी होगी तो इस इंडेक्स में भी यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी। तो ये ओवरऑल मेरा व्यू था पूरे के पूरे यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे डो जोन्स फ्यूचर भी, तो डो जोन्स फ्यूचर यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी में था आज पूरे दिन, लगभग 228 पॉइंट की यहाँ पर जंप थी। और यहाँ पर एक अगर हम बात करें एक ही रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसे असली तेजी के लिए इस लेवल को 33,403 को निकालना बहुत जरूरी है। अगर इसे निकाल देता है तो 33,990 इसका एक अलग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। बट हम बात करते हैं डो जोन्स की जो ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज हो गया है, इसे भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल को अगर ये निकाल देता है तो अगेन एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए एक हर्डल यहाँ पर 33,226 का है। और नीचे के लेवल की बात करें तो सपोर्ट नजर आता है 32,611। तो अगर गिरावट हुई तो शायद 250 पॉइंट नीचे आके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, उसके बाद शायद तेजी होगी। तो आज माइट भी यहाँ पर पॉसिबल है कि डो जोन्स में अमेरिकन मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हो सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको चीजें समझ में आए कि किस तरीके से हमने यहाँ पर आपको चीजें बताई है, तो यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी अनुपम रसायन से रिलेटेड, जो अगला एक स्टॉक ऐसा ही और बताने जा रहा हूँ, उसे देखिएगा और इसमें अनुपम रसायन की बातें करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लिया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।